अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू स्ट्रॉन्ग सवार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जिंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेयर नंबर 11 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पर हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी घंटी के बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बरवक्त पहुंचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेयर नंबर 11 की तशरीह की तरफ। शेयर नंबर 11 यह है, उसी ताबिश में चमकी थी मुसलमानों की शमशीरें, उन्हीं फौलादी दीवारों से टकराई थी तकबीरें। ताब के मानी तो ताकत है, लेकिन ताबिश के मानी यहाँ पे चमक, यानी ताबदार, ताप। लोग कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर ताप हो, ताप का मतलब ताकत, कुव्वत। लेकिन यहाँ पे और खुद की जमक हुआ है, उसी ताबिश में चमकी थी, यानी उसी तरह चमकी थी मुसलमानों की शमशीर, शमशीर के मानी तलवार। उन्हीं फौलादी दीवारों से, फौलादी फौलाद एक किस्म का लोहा है जो बहुत सख्त है, उन्हीं फौलादी दीवारों से टकराई थी तकबीरें। तकबीर अल्लाह अकबर, यानी नारायण तकबीर, अल्लाह अकबर, ये आवाज है। यानी उसी ताबिश में चमकी थी मुसलमानों की शमशीरें, मुसलमानों की जो तलवारें थी वो उसी तरह चमकी थी। चमक का मतलब एक तो तेज होना भी है, चमक का मतलब बहादुर के साथ लड़ना भी है। उन्हीं फौलादी दीवारों से टकराई थी तकबीरें, और वो दीवारें जो फौलादी से, इन लोहों से बनी हुई दीवारें हों, तो उनसे मतलब जो तकबीरें थी वो टकराई गई थी। टकराना का मतलब भूंजना भी है। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। शायर हफीज जालंधरी ने एक तारीखी अहमियत के हामिल मकाम दर खैबर का जिक्र इस नज़म में किया है। शायर कहते हैं कि अगरचे दर खैबर एक अहम तजारती रास्ता था, तो हर हुक्मरान उसे फतह करना चाहता था। असल में जो जगह तजारती हवाले से अच्छी होती है, तो किसी के जहन में ये बात आती है कि ये जगह तो अगर हम हासिल कर लें, इसको फतह कर लें, तो हमारी जो तजारती जिंदगी है, हमारा जो तजारती रास्ता है, ये हमारे लिए खुल जाएगा। तो हर हुक्मरान उसे फतह करना चाहता था, इसलिए हर हुक्मरान मतलब हर हुक्म चलाने वाला इस जगह को फतह करना चाहता था। मुसलमान हाकिमीन भी इसको, मुसलमान हाकिमीन ने भी इसको उबूर किया और कामयाब रहे। मुसलमान इस लिहाज से खुशकिस्मत रहे हैं कि वो यहाँ फतह हासिल कर सके। यानी उनके नाम मैं आपको आपके सामने अर्ज करता हूँ। एक तो महमूद गजनवी सात शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली यहाँ से गुजर कर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। हिंदुस्तान पर कब हमला आवर हुए, यानी ये कई सौ साल पहले की बात है। इन फातिहीन की बहादुरी और दिलेरी आज तक याद रखी जाती है। दिलेरी बहादुरी को कहते हैं। बहादुर की कई मानी है, बहादुर भी है, जरी भी है, दिलेर भी है, जरूरतमंद भी है, सूरमा भी है। हर शख्स इस बात से आशना है, आशना यानी जानने वाला, समझने वाला कि इस्कंदर को यहां हार माननी पड़ी। लेकिन महमूद गजनवी ने 17 times इस जगह को उबूर किया और सोमनाथ को फतह किया। शायद मुसलमान फातिहीन को खैराजी तहसीन पेश कर रहे हैं कि इन सख्त पहाड़ी सिलसिलों को,
پار کر کے انہوں نے مسلمانوں کا نام روشن کیا. ان کی اس فتح کو آج تک دنیا بھر میں یاد رکھا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب لڑائی اس غرض سے لڑی جائے کہ ان کے سامنے سوچ یہی ہو کہ ہمیں جو کامیابی ملے, اور ہم کامیابی اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک ایسے خطہ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور خطر کے نماز پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنی زندگیاں آزادی کے طور پر بغیر کسی خوف و خطر کے گزار سکیں. تو اس لیے مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے, سب سے بڑی جو سوچ ہوتی ہے ان کی یہی ہوتی ہے, اور یہ پازیٹیو سوچ بھی ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. آپ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں ساتھ ساتھ, یعنی اپنے جو آپ کے جو دوست ہیں کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ بھی میرے اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کریں, تاکہ آپ کو فائدہ تو پہنچتا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے بھی سوچنا پازیٹیو چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مطلب بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے, اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا بہت حوصلہ افزائی ہو. تو امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں بھی قوم یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.